गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास, क्लास 6 मैथमेटिक्स। प्रीवियस की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस किया था, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज है हमारी प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ आपको खेलना है, ठीक है, प्ले करना है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से नंबर्स को देखो क्या क्या है, उनके साथ इंजॉय करो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या कुछ और गेम खेलते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स में इन नंबर्स के साथ आपको प्ले करना है, खेलना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो एक्सरसाइज है, वो 3.1। अब 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, जिसमें नंबर्स देखिए कैसे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स कि नंबर्स कौन कौन से टाइप के होंगे। अब जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट क्या होता है, 2020 टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट अलग अलग होते हैं, वैसे ही नंबर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो पहला नंबर हम पढ़े हैं इसमें, तो आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब हो गया ऐसे नंबर्स जो टू की टेबल में आते हो, किसकी टेबल में आते हो, टू, जिनमें टू का डिवाइड हो जाए। कैसे, देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिनमें किसका डिवाइड हो जाए, टू का डिवाइड हो जाए, जो टू के टेबल में आते हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। दूसरे नंबर्स हैं आपके बेटा ओड नंबर्स, ओड नंबर्स जो टू की टेबल में नहीं आते, जो किसके टेबल में नहीं आते, टू के टेबल में। देखो कौन नहीं आया, 1, इनके बीच में कौन है, 3, इनके बीच में कौन, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, जो टू के टेबल में नहीं आते वो क्या कहलाएंगे, ओड नंबर्स, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर ये आपके लिए नया है कुछ, और ये आपके आगे भी काम आएगा 10th क्लास के बोर्ड क्लास में, ठीक है। प्राइम नंबर का मतलब हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप हो, आप खड़े हो, आपका नाम हो गया, जैसे कुछ भी ले लीजिए, आपका नाम मैंने लिख दिया समी। अब आपको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो बताओ कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या आप पे, नहीं पड़ेगा, आप वापस आ जाओगे। तो कहने का मतलब आप हो और आपको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आप वापस आ जाओगे, तो मतलब आप पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या, आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसका, 1 का। तो ऐसे नंबर्स जिनका सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, जैसे आप थे, आपका कोई फैक्टर है क्या, नहीं है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करो, आप ही आते हो, तो 1 तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। सतीश सर ले लीजिए, सतीश सर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वापस सतीश सर आ जाएंगे, बताओ कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो 1 क्या होगा, सभी के लिए कॉमन होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, ऐसे नंबर्स जिनका सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। अब कौन कौन से हुए, 2, 3, 4, 4 क्यों नहीं लिया, 2 into 2, 4 को क्या लिखते हैं, 2 into 2, तो फैक्टर हो गया तो वो नहीं आएगा। 2 into 3 into 5, 7, अब कोई कहेगा सर 9 ले लो, अरे बेटा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 into 3, फैक्टर हो गया ना, खुद सेल्फ के अलावा, सेल्फ मतलब, अब जैसे मैं आपसे कहूँ 2 into 1 ले लो तो 2 हो गया, 3 into 1 ले लो तो 3 हो गया, 5 into 1 ले लो तो 5, तो 1 तो क्या है, कॉमन है, तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन और फैक्टर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या लिए, 2, 3, 5, 7, फिर आप क्या लेंगे, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। ऐसे नंबर्स जिनमें 1 या खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, भैया 1 तो सबके लिए कॉमन हो गया, मुझसे 1 को मल्टीप्लाई करो, इस वाइट बोर्ड को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस डस्टर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, वही आएंगे। आगे बात समझ में। 4th है आपका कंपोजिट, ये भी आपके लिए नया है, कंपोजिट नंबर ये भी आपके लिए न्यू है, काम आएगा कंपोजिट। ऐसे नंबर्स जिनका 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, फैक्टर मोर देन टू, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो,
फैक्टर मोर देन टू वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कैसे सर बताओ जरा? तो एग्जांपल देखो, फोर ले लो, फोर को क्या क्या लिख सकते हो? फोर कब कब आता है? फोर इंटू वन करने पे फोर आता है, टू इंटू टू करने पर क्या आता है? फोर आता है, आता ही नहीं आता? तो फोर के फैक्टर कौन कौन हो गए? वन कोमा टू कोमा फोर खुद लिख सकते हैं। तो कितने फैक्टर आ गए? तीन फैक्टर आ गए। तीन फैक्टर आ गए तो मतलब ये क्या हो गया आपका? कंपोजिट नंबर। ऐसे सिक्स ले लो, सिक्स को क्या लिखोगे आप? सिक्स को आप लिखोगे सिक्स इंटू वन टू इंटू थ्री, तो कितने फैक्टर हो गए? वन कोमा टू कोमा थ्री। आ गए बात समझे? तो ऐसे नंबर्स जिनमें मोर देन टू फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिनको हम दो से ज्यादा बार लिख सकते हैं। सिक्स को लिख लिया वन कोमा टू कोमा थ्री, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही आ जाएगा, तो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। आगे बात समझ में सबको? ओके बेटा, लिख लीजिए इनको, डेफिनेशन आपकी बुक में है, डेफिनेशन लिखना चाहे तो बुक से लिख लीजिए, वैसे कोई नीड नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ समझ के आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? इरेज करता हूँ। ओके बेटा, चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 पर। 3.2 एक्सरसाइज पर आ जाइए और हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है? बुक सबके पास है तो मैं ये सोचकर चल रहा हूँ, ये मानकर चल रहा हूँ कि बुक सबके पास है, तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच? 50 एंड 100, ठीक है? 50 एंड 100 के बीच में, 50 और 100 के बीच में प्राइम नंबर्स। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, जिनका क्या नहीं हो? सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, जो सिर्फ सेल्फ आते हो, जो सिर्फ सेल्फ ही आएंगे, सेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा, हमें वो नंबर्स लेने हैं। आगे बात समझ में? तो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं 50 और 100 के बीच में। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर, लिख लीजिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। स्टार्ट करते हैं, पहले 51, 51 किसके टेबल में आएगा? 3, 17 नहीं आएगा। 52, 26 के टेबल में। 53 किसी के टेबल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 53 के बाद 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, ऐसे आपको काउंट करके देखने, फिर आप सीधे आ जाओगे 59 पर। 59 किसी के टेबल में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आ गई बात समझ में? उसके बाद आप आ जाओ 60, 30 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है तो 61। फिर आगे बढ़ो 62, 63, 64, 65, 66, 2 के टेबल में आ रहा है 67 के बाद 69। कोई सोचेगा अरे 69 तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। फिर आगे बढ़ो 70, 71 के बाद आप काउंट करो तो आप बोलोगे क्या? 73। कितना? 73। फिर आप बोलोगे 79। अब कोई सर 79 तो आता है, बेटा डिवाइड करके देखो, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, है ना, आपका 4 के में नहीं आता, आपका 5 के में, किसी में नहीं आता 79। तो आगे बढ़ो 79 के बाद अब आप आगे आ जाओगे तो आपका आ जाएगा 83। किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। जरा 89 को सोचो, 89 किसी के टेबल में आएगा क्या? 89 कौन सा? 89 नहीं आएगा। उसके बाद 97। तो 100 तक लेने थे तो आपका आंसर आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट ऑल द इवन नंबर्स। कौन से? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन कहां से कहां तक? 40 से 40 एंड 60, जो आपके 40 से 60 के बीच में इवन नंबर आते हो वो लेने हैं। तो देखिए इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिविजिबल होता हो, जिनमें 2 का डिवाइड होता हो, वो नंबर्स क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ऑल द ओड नंबर्स। राइट, इसको इरेज करो बेटा, लिख लीजिए ना आप यहाँ से, ठीक है? राइट ऑल द ओड नंबर्स, थर्ड है आपका ओड नंबर्स।
ऑड नंबर किससे लेस देन, लेस देन 20, लेस देन 20, लेस देन 20 का मतलब होता है लेस का मतलब कम, किससे कम, 20 से कम, 20 से कम। तो क्या लिखेंगे, 20 से कम कौन कौन हुआ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19 ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स। तो ये सारे के सारे ओड नंबर हो गए। यहीं तक क्यों लिखा, क्योंकि कितना बोला था, 20 से कम तक आपको लिखना है, 20 से कम कम आपको लिखने हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, ओके बेटा, राइट डाउन प्लीज, डू फास्ट। अब आ जाइए होमवर्क पे, वरना आपको लगेगा कि सतीश सर ने ज्यादा पढ़ा दिया। होमवर्क आपको मैं आपके जैसा ही दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा, जो आपने पढ़ा, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखने, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, लिख लोगे सभी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन, राइट डाउन सेपरेटली, सेपरेटली द प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर लेस देन 30। देखो पहला वाला तो मैं करवा चुका हूँ आपको, सेल्फ करना है। फिफ्थ वाला मैं समझा देता हूँ आपको, आप ट्राई करना, नहीं आए तो फिर हम सोल्व करेंगे। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट, आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों लिखने हैं, लेकिन किससे कम, 30 से कम। जैसे यहाँ 20 से कम लिखे ना ओड नंबर, वैसे ही 30 से जो नीचे नीचे 1 से लेकर 29 तक जितने भी प्राइम और कंपोजिट हैं अलग अलग लिखने हैं। कैसे लिखोगे आप, इधर तो लिखना प्राइम नंबर और इधर लिखना कंपोजिट नंबर। आ गई बात समझ में, ये आपके दोनों होमवर्क हैं, जल्दी से लिख लीजिए। फिर वीडियो को मैं एंड करता हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को आगे डिस्कस करेंगे और भी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, होमवर्क कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है बेटा।